अगस्त में रक्षाबंधन और बकरीद जैसे बड़े त्यौहार हैं, लेकिन कोरोना के चलते बाजारों से रौनक गायब है। लखनऊ के अमीनाबाद में हर बकरीद के मौके पर अच्छी खासी भीड़ देखी जाती थी, लेकिन इस बार यहां सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। ग्राहकों के बाजार में पहुंचने का जो दौर देखने को मिलता था, जो सिलसिला देखने को मिलता था, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसलिए दुकानदार मायूस हैं। एक अगस्त को बकरीद है और 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, यानी कि आने वाले दिनों में 2 बड़े त्यौहार हैं, लेकिन उसके बावजूद कोविड-19 की वजह से बाजारों का क्या हाल है, ये हम आपको दिखाने के लिए अमीनाबाद में आए हुए हैं, जो कि लखनऊ की बहुत मशहूर और बहुत पुरानी बाजार है। अमूमन आम दिनों में यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं होती थी, और अगर त्यौहार का सीज़न हो तब तो आपको एक दूसरे से धक्का मुक्की करनी पड़ती थी चलने के लिए, पैदल खरीदारी करने के लिए। लेकिन दुकानों में अभी हाल क्या है, देखिए दुकानदार जो हैं वो खड़े हुए हैं, ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है। पिछले 5 महीनों से वो घाटा झेल ही रहे हैं, उम्मीद थी कि बकरीद और रक्षाबंधन में कुछ मुनाफा होगा, लेकिन अमीनाबाद में जो सड़कों का हाल है उसे देखकर साफ समझा जा सकता है कि फ़िलहाल अभी 10-15% जो ख़रीदार हैं वो ही बाहर निकल रहे हैं और बाकी दुकानों में सन्नाटा है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं कि अमीनाबाद में सड़कें कभी इतनी सूनी हो और पैदल चलने में इतनी आसानी हो। तो ये देखिए दुकानदार लाइन से खड़े हुए हैं, ग्राहक किसी के पास नहीं है। भाई साहब त्यौहार का सीजन है और देख रहे हैं ग्राहक है ही नहीं। हाँ, लॉकडाउन का समय है और ग्राहक क्या आएगा, वही परेशानी आगे से 4 महीने से आदमी झेल रहा है। बड़े त्यौहार है, बकरीद है, रक्षाबंधन है, तो आप लोगों को तो उम्मीद रही होगी कि बढ़िया सेल होगी। हाँ, बहुत बढ़िया सेल होना चाहिए थी, लेकिन अब यह है कि लॉकडाउन का असर दिख ही रहा है और बाजार में कुछ नहीं, बस पब्लिक आ जा रही है, बाकी जो है व्यापार नहीं हो रहा है। भाई साहब कितने ग्राहक आए सुबह से? 2-3 ग्राहक आए बस, जो भी 2 की लेके नहीं गए, लेके नहीं गए, लेके चले गए। त्यौहार के सीजन बकरीद है, रक्षाबंधन है, तो उम्मीद तो रही होगी कि बढ़िया सेल हो जाएगी, कुछ मुनाफा ज़्यादा होगा। उम्मीद तो सभी को है, पर क्या करें, जब बाज़ार में कुछ है नहीं तो कहाँ से आए कस्टमर, कैसे आएगा, इतना ना साधन है, इतनी दहशत है कोरोना के, और सही भी है, सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। नए कपड़े खरीद कर किस रिश्तेदार के आप जाएंगे, कहीं आना जाना है नहीं, तो इस वजह से भी खरीदारी कम है। ये तो कपड़ों की बात हुई, देखिए जरा खाने पीने की दुकानों का क्या हाल है। भाई साहब ये बताइए कि कैसा चल रहा है, 2 बड़े त्यौहार हैं, बकरीद है, रक्षाबंधन है, तो धंधा में कुछ तेजी आई कि वैसे ही है? कोई असर नहीं है, पूरा मार्केट एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, पूरा कोविड का असर है, साफ समझा जा रहा है, ग्राहक पहले की तरह एकदम नहीं आ रहा है, एकदम समझ लिए लॉस में चल रहा है अभी धंधा। इसमें भी वही बात है कि ये सब जो ड्राई फ्रूट्स नमकीन आप रखते हैं किसके लिए, मेहमानों के लिए, मेहमान तो घर पर आएंगे नहीं कोरोना काल में, क्योंकि लोग चाहते भी हैं कि लोग उनके घरों पर कम आए, इस वजह से ये सब भी आइटम कम बिक रहे हैं। बाद में आम दिनों में करोड़ों रुपए का कारोबार होता था और त्यौहार के सीजन में तो ये कई गुना बढ़ जाता था, लेकिन अभी क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो जाहिर बात है कि सन्नाटे ने एक तरफ जहां दुकानदारों की उम्मीदों को तोड़ा है, वहीं उनकी जो उम्मीदें थी कि ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा सामान बिकेगा, वो उम्मीदें भी धराशाही हुई हैं। वीडियो के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।